तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हनीड विंग्स बनाने के तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समियास कुकिंग हब। आज मेरे बेटे ने मेरे से हनीड चिकन विंग्स खाने की फरमाइश की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर ली जाए। आप जानते हैं कि हनीड चिकन विंग्स चाइनीज डिश है। आप इसे लंच और डिनर के मेन्यू में एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं और अपने टी प्लेटर्स के लिए भी तैयार कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी। तो विंग्स बनाने के लिए मैंने हाफ के जी चिकन विंग्स लिए हैं। अगर आप चाहें तो इसको इकट्ठा भी मैरिनेट कर सकते हैं, यानी आप इसको टू पीसेस में मत काटें, और अगर आप मेरी तरह अलग अलग इसको करना चाहें तो आप इसको एक चिकन विंग को टू पीसेस में भी आप इसको काट सकते हैं। मैंने चिकन विंग्स को पानी से अच्छी तरह से धोने के बाद इसको स्ट्रेनर में रखा ताकि इसका पानी अच्छी तरह से ड्रेन आउट हो जाए, और फिर इसको मैंने कॉटन क्लॉथ से अच्छी तरह ड्राई करके रखा हुआ है। चिकन अगर एक सिर्फ पानी से भरा हुआ होगा तो फिर जब आप इसको मैरिनेट करेंगे तो ये इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपरली अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसका रिज़ल्ट ये होगा कि चिकन जो है वो अंदर से टेस्टलेस रह जाएगा। ठीक है, तो ये फिर अब हमारा चिकन रेडी है बिल्कुल। और इसको मैरिनेट करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने अपने पास रखे हुए हैं उसमें हैं 2 teaspoon कॉर्नफ्लावर, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, तकरीबन 1 teaspoon ही है, थोड़ा सा मैंने उसका लेवल कम रखा था, सॉल्ट, लेकिन आप टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, और 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर, 1 teaspoon ईच गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट, 1 teaspoon सोया सॉस एंड 1 tablespoon चिली सॉस। अब मैं ये सब चीज़ें इसमें डालती चली जाऊंगी। और अब मैं इसमें 3 teaspoon ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा डाल दूंगी। एक अंडे को मैंने फेंट के रखा हुआ है और मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें डालूंगी कि ये एक पेस्ट बन जाए। बहुत ज़्यादा एग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होता है कि तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो विंग से अलग हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। एक थिक पेस्ट की तरह इन तमाम इंग्रेडिएंट्स की विंग्स के ऊपर कोटिंग होनी चाहिए। अगर आज आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर अभी कर लीजिए। अब मैं इन्हें कवर करूंगी, और कवर करने के बाद इनको फ्रिज में 3-4 hours के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। और आफ्टर मैरिनेशन आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं ताकि कुछ दिनों के बाद आपने अगर विंग्स तैयार करने हो तो आपके पास मैरिनेटेड विंग्स मौजूद हो। मैंने एक स्प्रिंग अनियन लिया है और मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसके साथ अपने हनीड विंग्स को किस तरह से गार्निश करूंगी। ये लाइट ग्रीन पार्ट ऑफ स्प्रिंग अनियन है, ये मैंने इतना सा रहने दिया तकरीबन 1.5 inch, और ये ग्रीन पार्ट को मैंने तकरीबन इतना रहने दिया। और अब मैं नाइफ को प्रिक करूंगी और लेंथ वाइज इसकी बिल्कुल बारीक बारीक सी कटिंग कर लूंगी। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी रेसिपी मिस ना हो। एक प्याले में मैंने चिल्ड वाटर लिया है और उसके अंदर मैं इसको डिप कर दूंगी, और थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें किस तरह से कर्ल्स बन जाएंगे, और जब हम इसके साथ अपनी किसी भी डिश को गार्निश करेंगे तो वो बहुत खूबसूरत नज़र आएगी। और स्प्रिंग अनियन के जो पीसेस हमने उतार के रखे थे उसको मैं इस तरह से छोटा छोटा बारीक कर काट लूँगी, और इसको हम एंड पे स्प्रिंकल करेंगे। विंग्स मैरिनेट हो चुके हैं और अब मैं इन्हें मीडियम हॉट ऑयल में डीप फ्राई करूँगी। अब जब मैंने विंग्स इसमें डाले हैं तो ऑयल ठंडा हो गया, तो मैं अब फ्लेम थोड़ा तेज कर रही हूँ, और अब मैं सभी विंग्स इसमें ट्रांसफर कर दूंगी। अब मैं देखती हूँ कि इसकी नीचे की साइड ब्राउन हो गई है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से हिला दूंगी ताकि इसकी साइड चेंज हो जाए और ये एक सा ब्राउन हो जाए हर तरफ से।
बहुत से लोग चिकन को फ्राई करते हुए उसको टेंडर करने के लिए बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि वो टेंडर नहीं होता चिकन, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई और च्यूई हो जाता है। अगर आपने चिकन को जूसी रखना है तो फिर इसको ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देना चाहिए। अब इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो मैं इन्हें प्लेट में शिफ्ट कर दूँगी। अब एक अलग पैन में मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ और इसमें 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट मैं फ्राई करूँगी। बहुत लाइट सा कलर दूंगी मैं और गार्लिक को मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। इसमें मैं 1 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज ऐड कर दूंगी, बहुत बारीक कटी हुई ग्रीन चिलीज है। 2 टेबलस्पून सेसमी सीड्स यानी सफ़ेद तिल, 1/2 से इसको भी फ्राई कर लूँगी। और थोड़ा सा सॉल्ट, 3-4 टेबलस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप इसको मीठा करना चाहें आप इसमें हनी डाल दें। और अब विंग्स को मैं इसमें डाल दूँगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि विंग्स को डीप फ्राई करने वाला स्टेप और इस तरह से हनी मसाला के अंदर ये जो मैं अभी कोटिंग कर रही हूँ ये वाला स्टेप, ये आपने जस्ट बिफोर सर्विंग करना है, ये आप पहले से करके नहीं रख सकते। जब आप देखें कि तमाम मटेरियल इसके ऊपर कोट हो गया तो बस आप फ्लेम को ऑफ कर दें। अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं। और ये बुश जो स्प्रिंग अनियन से तैयार की गई थी, आप देखें कि इस पे कितने खूबसूरत कर्ल्स आ चुके हैं। इसको मैं थोड़ा ड्राई करूंगी पेपर टॉवल पे रख के। ग्रीन पार्ट ऑफ स्प्रिंग अनियन जो बारीक काटा था उसको मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ और एक इस तरह से रेड चिली मैंने इसके ऊपर रख दी। तो अब टाइम है इसे टेस्ट करने का। मुझे तो बहुत मज़े के लगे हैं, बल्कि बेहद मज़े के लगे हैं। इसकी आउटर लेयर थोड़ी क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट एंड जूसी है और हनी का फ्लेवर तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अब आप इसको ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ में ये भी मुझे ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट आप क्या सीखना पसंद करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।